कोरोना वायरस जिस तरह से भारत में दस्तक दे चुका है, आम लोगों में दहशत है क्योंकि आए दिन लोगों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, कई क्षेत्रों में संक्रमण की नई नई खबरें सामने आ रही है। खुर्जा नगर में 2, देहात क्षेत्र में 3 सहित 5 नए व्यक्ति मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। अब खुर्जा क्षेत्र में टोटल 7 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा 13 रोडवेज कर्मी समेत 14 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। खुर्जा क्षेत्र के ग्राम भटोला निवासी 2, ग्राम भाईपुर निवासी 1, नगर के मोहल्ला चौहाटा और मदार 1 दरवाजा निवासी व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। ग्राम भटोला और भाईपुर निवासी व्यक्ति अन्य प्रदेशों से आए थे, गांव में जाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, जहां से उनके सैंपल लेकर अब जांच की जा रही है। जबकि शक होने पर मदार दरवाजा निवासी रोडवेज में लिपिक और पूर्व में संक्रमित मिले मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की जांच की गई और जैसे ही इसकी सूचना मिली, संक्रमित मिलने की जानकारी हुई तो तुरंत पुलिस और नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि जांच करने के दौरान 13 रोडवेज कर्मियों समेत 14 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। साथ साथ रोडवेज बस को 24 घंटे और वर्कशॉप को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मदार दरवाजा को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए बैरिकेड्स लगाते हुए सील कर दिया गया है। ईओ अविनाश प्रताप सिंह द्वारा 5 टीमों का गठन करके पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया जा रहा है।